जस्ट इमेजिन करो कि आपके दोस्तों के पास, आपके साथ वाले लोगों के पास 2 या 3 साल के बाद एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, बहुत सारा पैसा होगा और खूब नाम होगा, और आपका कंडीशन उस वक्त बहुत ज्यादा खराब होगा। क्यों, क्या कहोगे आप? यही न कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और मेरी किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत ने उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। उस वक्त उसके पास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो आपके पास में है वही उनके पास में भी है। आज आपके पास में चॉइस है, उनके पास में भी चॉइस है। उसने मेहनत को चॉइस करा, तुमने चॉइस किया आलस को। उसने किताबों को चुना, तुमने चुना अपना मोबाइल फोन को। उसने ऑन कम्फर्ट जोन को चुना, तुमने चॉइस किया कम्फर्ट जोन को। उसने स्ट्रगल को हाँ कहा और तुमने ना कहा। उसने हर वो चीज को चॉइस की जो उनकी जिंदगी बनाएगी, और आपने हर वो चीज को चुनी जो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी। आपने चॉइस की इंस्टा की रील, फालतू के वीडियो, मजे, टाइम पास, कहाँ से अच्छी किस्मत होगी? यूँ भगवान साथ देगा आपका? भगवान उन्हीं का साथ देता है जो इंसान खुद को साथ देता है। किस्मत उनकी अच्छी होती है जो इंसान मेहनती होता है, जो खुद का साथ देता है। किस्मत अच्छी होना ना होना अपनी हाथ में नहीं है, किस्मत बनाना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों सच कह रहा हूँ, कहीं का ना रहोगी बहुत बुरी हालात हो जाएगी। अब भी वक्त है, सीरियस हो जाओ, पढ़ने लग जाओ, सारे फालतू के काम छोड़ दो। बहुत कम वक्त बचा है और ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में आप ऐसे फालतू काम करोगे ना, कहीं का ना रहोगे, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि कहीं का ना रहे, बर्बाद हो गए, न पढ़ाई की और न दूसरा काम किया, और अब मुझसे कहता है मैं अब क्या करूं। भाई तुझे अपने कर्मों की फल मिल रहा है, अब जो होगा उसे छोड़, लेकिन अब जो तुम कर सकते हो अब वो करो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो उसके लिए अपने पूरे प्राण लगा दे, जान लगा दे या फिर जाने दे। बार बार ये बात अपने आप को याद दिलाओ, जान लगा दे या फिर जाने दे, जान लगा दे या फिर जाने दे। या तो सपना देखो मत, और अगर देखा है तो उसे पूरा करने के लिए उस हद तक जिद्दी बनो कि लोग आपको देखते ही कहे कि यार तू पागल है क्या। टैलेंटेड लोगों से जीतने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। मेहनत से आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। मेहनत के आगे किसी भी टैलेंट की कोई औकात नहीं। और आप में से कईयों की एग्जाम हो चुकी है, कईयों की चल रही है, कईयों की आने वाली है। तो अब सिर्फ एक गोल्ड, साल भर आपने जो भी किया छोड़ दो, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब तुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ेंगे कि फोड़ करके रख देंगे। जितना भी टाइम बचा है ना उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर सीरियस हो जाओ तो सबसे पहले आप अपने फोन को एक ड्रॉल में लॉक करके रख दो। देखिए मोबाइल से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इससे बुरा टूल भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इसका गलत तरीके से यूज किया जाए तो आपकी बनी बनाई जिंदगी बर्बाद कर देगी ये मोबाइल फोन। आपका दुश्मन आपकी जेब में रखा हुआ है, रख दो इसे साइड में। अगर आप अमीर घराने में पैदा हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं तो ये सोचता हूँ आपको चैन कैसे पड़ सकता है। आपको आपके माँ बाप का त्याग समर्पण क्यों नहीं दिखता आपको अपनी जिंदगी, क्यों नहीं दिखता आपको अपने हालात, क्यों नहीं दिखता आपको अपनी बर्बाद हुई भविष्य? मैं तो एक पल भी चैन से नहीं बैठता था, मुझे मेरे हालात बदलने थे, मुझे मेरा ड्रीम लाइफ जीनी थी। मेरा माइंड सेट था कि मुझे इसके लिए 15-15 घंटे भी काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा, नींद कम लेनी पड़ेगी, मैं कम नींद लूंगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं सब चीज करूंगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मैं सब चीज छोड़ दूंगा। जब तक कामयाब नहीं होऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। दोस्त बुलाएगा नहीं जाऊंगा, फोन में टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पबजी आया चला गया, टिकटॉक आया चला गया, मैंने जिंदगी में डाउनलोड तक भी नहीं किया। मेरे फोन में सिर्फ वो चीज थी जो मुझे मेरे गोल्ड तक लेके जाएगी। हर उस चीज को डिलीट कर दो जो तुम्हें रोक रही है या फिर बर्बाद की ओर लेके जा रही है। हर चीज को अनइंस्टॉल कर लो जो तुम्हें बर्बाद की ओर लेके जा रही है, जो तुम्हें कामयाबी की ओर लेके जाएगी। अगर आपको किसी को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हें वो हासिल होगा जो कि उससे बहुत ही बड़ा होगा। तुम्हारी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्बाद हुए तो लोग हंसेंगे, अगर तुम कामयाब हुए तो लोग तुमसे जलेंगे। छोड़ दो उनको जो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, टाइम देना बंद कर दो उनको, कहो काम है बेस तुम, अगली बार आपको वह बुलाना ही बंद कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ी भी जोश आया हो, लगी हो कुछ करने की, पढ़ने की, तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाओ, अभी भी वक्त है। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।